Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC civil service preparation. Me and along with my team members are trying to bring you one of the finest content available on the internet as of now, YouTube ke upar, aur aapko ghar pe baithe baithe free of cost high quality education dene ki koshish kar rahe hain. जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आपको आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ, और मेरे ही टीम मेंबर्स आपके साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आदि इत्यादि सब्जेक्ट्स को भी डेली करा रहे हैं. तो होपफुली आप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा. आई होप दैट यू आर डूइंग गुड इन योर प्रिपरेशन एज अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. लेट अस वंस अगेन रीस्टार्ट द क्लासेस जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इनफैक्ट डिस्कस किया था. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू कर दिया था, और आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था. आर्किटेक्चर को हमने मिडिवल इंडिया के अंदर कंप्लीट किया था इन द प्रीवियस क्लास, और मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के मैंने आपको फीचर्स पढ़ा दिए थे. मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आई हैड डिस्कस यू अबाउट द फीचर्स ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मिडिवल आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे. डिटेल का मतलब क्या है कि मिडिवल इंडिया में किस प्रकार का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर पढ़ाने की कोशिश करूंगा. बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जो जो स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़े हैं, जिन लोग को हमारे बारे में नहीं जानकारी है, उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 6 years ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर. I guided multiple thousands of students as of now, also cleared the services, used to work with the state government, but because of my interest in my teaching, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ जुड़ गया हूँ. खैर, मैं Unacademy Studio Rise के साथ साथ Unacademy Plus के ऊपर भी पढ़ाता हूँ. आप सबको जानकारी होगी कि Unacademy Plus एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स अपने अपने कोर्सेज वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं. बेस्ट एडवांटेज यही है Unacademy Plus का, और आपको डाउट शेयरिंग सेशन भी मिल जाएंगे. तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का 80 आवर्स का एक कोर्स अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है इन द मंथ ऑफ नवंबर. आई विल सजेस्ट कि जो जो स्टूडेंट्स को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी डाउट हो रहा है, ऐसा कोई भी इनफैक्ट स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर हमको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो आई वेलकम यू कि आप जुड़िए हमारे साथ Unacademy Plus के ऊपर. मैंने 80 आवर्स के सेशन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कराए हुए हैं, और आपको और भी डाउट होगा तो हम लोग और भी इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. देखो, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्लस के ऊपर से हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ Unacademy Plus के ऊपर मेरा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री पे भी कोर्स आ रहा है. तो आई विल सजेस्ट कि जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर कोर्स ऑन Unacademy Plus. Unacademy Plus के ऊपर एडवांटेज यही है कि ऑल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा, और आज की तारीख में Unacademy Plus के ऊपर करीबन 80 के आसपास एजुकेटर्स हैं जिनके सेशंस अवेलेबल है, डेली सेशंस है. 30 आवर्स के आसपास आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, उन सब के क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे. पॉलिटी में 4-5 एजुकेटर्स, हिस्ट्री में 3-4 एजुकेटर, हर एक सब्जेक्ट के एजुकेटर्स है. तो आपको जिनका मन खाए उनका देखो. मेरा जैसे आपको हिस्ट्री समझ में आ रहा है, हिस्ट्री मेरे क्लासेस को अटेंड करिए, पॉलिटी में आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिल जाएंगे. तो उन सब के क्लासेस को अटेंड करके आप प्लस के ऊपर जोड़ सकते हो. तो ये Unacademy Plus का आपके लिए एडवांटेजेस है. तो इट इज़ लाइक एन अमेजोन और नेटफ्लिक्स मॉडल. जैसे नेटफ्लिक्स अमेजोन में आपने एक बार एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद जितनी बार चाहे उतनी बार सीरीज देखा, नई सीरीज को देखा, पुरानी सीरीज को देखा, मन चाहे उतनी बार रिपीट कर लिया. सेम यहाँ पे यही है, ठीक है. ऑनलाइन भी देख सकते हो, मेन तो फायदा यही है कि लाइव क्लासेस में आप देख सकते हो, इंट्रैक्शन भी होता है. तो ये थोड़ा बहुत अलग है, वो तो सीरीज वाला खेल है. खैर, तो वन मंथ से लेके 2 ईयर्स के कोर्सेज अवेलेबल है. बट आई विल सजेस्ट कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सो दैट आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा. जैसे मेरा हिस्ट्री है, तो एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के भी मेरे आप पकड़ के चलो कि 2-2.5 महीने का कोर्स चलेगा. मॉडर्न हिस्ट्री मेरा अलग से चलता है, ठीक है. आर्ट एंड कल्चर मेरा अलग से चलता है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट. इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मेरा अलग से चलेगा, गेटिंग अ पॉइंट. और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी कराता हूँ. अब आप समझो कि ये खाली हिस्ट्री का ही पोर्शन है. अब खाली इतना पोर्शन कराने में मेरे को 8 महीने लग जाते हैं. कितने, 8 मंथ्स, अराउंड 8 मंथ्स, मतलब आगे पीछे छुट्टी वुट्टी, एग्जाम वेग्जाम, डाउट शेयरिंग इनके चलो. अब इतना पोर्शन आपको हिस्ट्री में करना है तो मैं डेली 2-2 आवर्स के क्लासेस लेता हूँ. 1.5 आवर्स 2 आवर्स के बीच में वेरी करता है, जैसे यहाँ पे आधे घंटे का आपके साथ सेशन होता है. अब इतना कराने में 6-8 महीना तो आराम से लगेगा. तो आप अगर 3 महीने का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो इवन फॉर माय कोर्स, तो आपके हर एक सब्जेक्ट तो होंगे नहीं, समझे. तो आप 1 साल का लीजिए तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे. अराउंड 70-80 एजुकेटर्स है
जो वहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में स्पेसिफिकली, तो ये एडवांटेजेस है समझे। वन ईयर की फीस 40,000 है, यूज माई कोड PN Live, द फीस विल कम बैक टू 36,000 समझे आप लोग। उसी के साथ साथ 2 ईयर्स की फीस 64,000 है, द 2 ईयर्स फीस इज 64,000, यूज माई कोड PN Live, द फीस विल कम बैक टू 57,600 ठीक है। तो आप लीजिए, मेरा एंशियंट मेडिवल का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, वेरी सून आई एम लॉन्चिंग माई कोर्स ऑन एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। ऐप स्टोर के ऊपर जाइए, डाउनलोड कीजिए, तात्कालिक लीजिएगा ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। दो लोग इनफैक्ट 2021-22 में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये राइट टाइम है, क्योंकि आपको 1.5 to 2 years का एक गैप मिल जाएगा बिफोर प्रिपेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग ठीक है। तो ये तो आपका कोर्स हो गया ऑन दी अनअकैडमी प्लस। हम लोग आज का सेशन फिर से आर्ट एंड कल्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर विजुअल आर्ट पढ़ा था और आर्किटेक्चर को पढ़ने की शुरुआत की थी, और जब आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको एंशियंट मिडिवल के जो आर्किटेक्चर थे उसमें मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को शुरू किया था, और मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के हमने फीचर्स पढ़े थे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या पढ़े थे, वी हैड जस्ट डिस्कस द फीचर्स ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब समझ में आता है कि कौन से किंग ने क्या बनाया, विच किंग मेड व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इंक्लूडिंग मुगल आर्किटेक्चर को भी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ द मुगल आर्किटेक्चर विल बी डेवलप, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ दिस पॉइंट्स। अब देखो मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर की खासियत क्या है। मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के अंदर आपको 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ लिया था ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण था इस्लाम का ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, गजनी का आगमन, घोरी का आगमन, और मिक्सचर ऑफ लोकल विद रीजनल आर्किटेक्चर एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर। उसके फीचर्स आर्क्यूएट, मीनार्स, मोर्टार, फ्लोरल डिजाइंस, कैलीग्राफी, आरबेस्क्यू, जाली वर्क, वाटर बॉडी, पीटरडूरा एंड फोरसाइटिंग टेक्निक। फोरसाइटिंग क्या होता है, तो आपको मिडिवल आर्किटेक्चर में जब दिल्ली मुगल्स को पढ़ेंगे तो मुगल्स के अंदर पढ़ाऊंगा ठीक है, अभी नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद आपकी मोर्टार का, लाइम मोर्टार का यूज, आर्क्यूएट, आर्क्यूएट में 2 आर्क, कॉर्बल्ड एंड ट्रू आर्च हमने पढ़ लिया था। उसके साथ साथ आरबेस्क्यू, ये फुल वाली डिजाइन याद आया आपको, इंक्लूडिंग जाली वर्क, और जाली वर्क के साथ साथ पीटरडूरा पढ़ लिया था हमने, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज क्यों बनाई जाती थी, राजा इनफैक्ट प्योरिफिकेशन, वो है ना कि एक प्योरिटी के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, दोनों के लिए। अब मिडिवल इंडिया में आपका सबसे पहला आया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने क्या आर्किटेक्चर बनाया उसको समझाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किंग क्या चाहते थे वो भी मैंने आपको बताया था। राजा अपने आपको भगवान का प्रतिनिधि बोलेगा, राजा अपने आपको बोलेगा कि आई एम द शैडो ऑफ गॉड एंड बींग द शैडो ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक साया हूँ, उसके कारण मेरा राइट है कि मैं इस प्रकार का आर्किटेक्चर आपके लिए बनाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट। इस प्रकार से राजा ने प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया, और प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर ज्यादातर किंग क्या बनाएंगे, मॉस्क आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे ठीक है। अब देखो मिडिवल इंडिया के अंदर मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी डायनेस्टी ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले आपकी आई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रहेगी, 1290 तक। उसके बाद दूसरी आई खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक रहेगी पावर के ऊपर, ये भी कुछ बनाएगी। तीसरी आएगी तुगलक डायनेस्टी। कौन सी बेटा, तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेके 1414 तक पावर के ऊपर रहती है। तुगलक के बाद चौथी डायनेस्टी कौन सी आती है, सैयद डायनेस्टी। ये सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक पावर के ऊपर रहेगी, और सैयद के बाद लास्ट डायनेस्टी जो आती है वो कौन सी आती है, लोधी आती है ठीक है, जो 1451 से लेके 1526 तक पावर के ऊपर रहेगी ठीक है। तो इतनी डायनेस्टीज में आपको अलग अलग आर्किटेक्चर मिलेंगे, और मॉस्क आर्किटेक्चर का बहुत अपना इंपॉर्टेंस है ठीक है। तो मॉस्क के ऊपर आता हूँ, अभी कौन से राजा ने मॉस्क बनाया, इंक्लूडिंग वाटर बॉडी भी बनाएगा। अब देखो वाटर बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा वो भी समझा देता हूँ। पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज के क्लास के अंदर पहले वाटर बॉडी को समझते हैं। अब देखो वाटर बॉडी का इंपॉर्टेंस क्या था, यू विल फाइंड मिडिवल इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि एक ऐसा किंग जो इनफैक्ट बहुत ही जस्ट होगा। जस्ट समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय जस्ट, मतलब वो न्याय का देवता, राजा जो होता है वो न्याय का देवता कहला जाता है। द किंग इज नोन एज अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जैसे कौटिल्य कहता था इन द एंशियंट इंडिया। गेटिंग अ पॉइंट। तो कहते हैं कि दिस वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन हेवंस वुड नॉट विथहोल्डिंग द रेन, मतलब ये होगा कि एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रोसेस, पीपल ऑलवेज यूज टू से कि ऐसा कोई भी राजा जिसके पास पानी अवेलेबल हो तो वो राजा महान है। और इसी के कारण बहुत सारे राजा, बहुत सारे किंग्स अगर आप देखोगे वो टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है, द किंग विल बी मेकिंग मल्टीपल टैंक्स, वाटर बॉडीज बनाएगा। और दिल्ली के अलग अलग रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको टैंक्स मिलेंगे। जैसे मैं कहूँगा
कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत जो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी में एक राजा था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की जब हम लोग बात करते हैं तो उसने दिल्ली के आउटसाइड दिल्ली खुना करके एक जगह है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनाया। इफ़ यू कैन सी इन दिस मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिल्ली खुना या इसी को भी हम लोग कह सकते हैं किंग्स रिजर्वर या हौज ए सुल्तानी। हौज ए सुल्तानी क्यों? क्योंकि सुल्तान का हौज हुआ करता था, इसके लिए उसने किंग्स रिजर्वर के रूप में बनाया। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको मिलेगा जो 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 दिल्ली के अंदर इनफैक्ट वाटर बॉडी के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको राजा के दौरान मिल जाएगी। अलग अलग प्रकार की टैंक्स बनती है, मैं वाटर बॉडी कौन से राजा ने बनाया उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि दिल्ली की या दिल्ली के आजू बाजू के जो सिटीज़ है वो भी इस दौरान बनेंगे, इंक्लूडिंग आपकी अलग अलग स्टाइल्स जो है आर्किटेक्चर की वो भी बनेंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को समझते हैं। अब नाम है दिल्ली सल्तनत, क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि इनका कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था? द कैपिटल विल बी एट दिल्ली, इसके लिए उसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। समझे आप लोग? तो दिल्ली के सुल्तान से ये लोग क्या बनाते हैं उसको समझते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या बनाया जाता है। अब देखिए दिल्ली के अंदर जो डायनेस्टी पावर के ऊपर आई सबसे पहले उसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ये स्लेव डायनेस्टी को हम लोग इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं। इलबारी क्यों? क्योंकि इनका दूसरा नाम था वो था इलबारी, और इन्होंने जो आर्किटेक्चर फॉलो किया उसे हम लोग कहते हैं मेमलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो ये क्यों ऐसा कहा जाता है, तो दिल्ली के चार सुल्तान से मेन सुल्तान से सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर डायरेक्टली कभी रूल ही नहीं किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से रूल करता था याद रखेगा? लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा किंग पावर के ऊपर आया उसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर कैपिटल शिफ्ट कर दिया। समझे आप लोग? तो यहाँ से दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश की डॉटर फिर पावर के ऊपर आई रजिया, और रजिया के बाद चौथा राजा आया बलबन। समझ में आ रहा है आपको? और कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब गुलाम हुआ करते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ द घोरी, उसी दौर के ऊपर इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। समझे? तो इस प्रकार से गुलाम वंश था, इसके लिए उसको गुलाम वंश कहते हैं। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। चार राजा है, इन्होंने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए बिटवीन द पीरियड 1206 टू 1290, 1206 से लेके 1290 के बीच में ये चारों के चारों किंग्स ने मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनफैक्ट आर्किटेक्चर बनाया। अब देखो इसमें क्या था, इनके आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी। एक तो ये लोग जब आए तो इनको मॉस्क चाहिए था, एंड बिकॉज दे वॉन्टेड अ मॉस्क, बिकॉज दे वॉन्टेड अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग हो पाए, इसके लिए यू विल फाइंड कि इन्होंने मॉस्क बनाने की शुरुआत की। अब मॉस्क के लिए मटेरियल चाहिए, मॉस्क के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, तो उनके पास डायरेक्टली अवेलेबल था नहीं जब इन्होंने पावर कैप्चर किया दिल्ली के ऊपर। तो क्या किया कि आपकी जो हिंदू टेम्पल्स थे और हिंदू स्ट्रक्चर थे उसको रीमॉडल किया गया। रीमॉडलिंग समझ में आता है कि जो पुराना बिल्डिंग था उसी के अंदर से ही आपके दूसरे रिलीजन के रूप में यूज हुआ। जैसे दिल्ली के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कुवत उल इस्लाम मॉस्क, दिख रहा है आपको? कुवत उल इस्लाम मॉस्क एक ऐसा जगह है याद रखेगा विच वॉज बेसिकली कन्वर्टेड फ्रॉम दी जैन टेम्पल। ये कुतुब मीनार जो अगर आप देख रहा होगा दिल्ली के अंदर, ये वहाँ पर आया हुआ है, और ये कुतुब मीनार वाला जो रीजन है वहाँ पे ही ये कुवत उल इस्लाम मॉस्क जब बन के आया, व्हेन द कुवत उल इस्लाम मॉस्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द दिल्ली रीजन, इट मेड श्योर दैट इट वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ मॉन्यूमेंट, इट वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ मॉन्यूमेंट। और ये मॉन्यूमेंट कैसा हुआ करता था? दिस वॉज द मॉन्यूमेंट विच वॉज मेनली कन्वर्टेड फ्रॉम द जैन टेम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में 3 से 4 मॉन्यूमेंट बनेंगे। सबसे पहले कुवत उल इस्लाम मॉस्क बनेगा, याद रखेगा, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट से कन्वर्ट था, रीमॉडल किया हुआ था, इंक्लूडिंग कुतुब मीनार वाला रीजन है। ये भी कहा जाता है कि इसको भी इन्होंने रीमॉडल ही किया था। अब देखो रीमॉडल का मतलब क्या है कि कुतुब मीनार पहले से खड़ा नहीं था, पर जो पुराने पत्थर थे, जैसे कोई टेम्पल के पत्थर थे या और कोई आर्किटेक्चर का कोई टाइप था, वहाँ से पत्थर को उठाया गया और कुतुब मीनार के अंदर और आपके जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए उसके अंदर चिपकाया गया। समझे आप लोग? तो उसको पुराने को चेंज कर दिया गया और उसी के कारण आपके अलग अलग मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर बनते हैं।
इंक्लूडिंग ढाई दिन का झोपड़ा भी यहाँ पे ही बनेगा। अब ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे आया है, तो अजमेर के अंदर आया है, याद रखेगा। और जो दूसरा है, मैंने आपको कुवतुल इस्लाम मॉस्क बताया, ये कहाँ पे आया है, वेर इज कुवतुल इस्लाम मॉस्क, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली ओनली, इट इज इन द प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आपको यहाँ से मिलती रहेगी इन द स्लेव डायनेस्टी। अब थोड़ा बहुत कुतुब मीनार की बात कर देता हूं मैं। कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुब मीनार बनाने वाला जो राजा था, शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कब था, तो सबसे पहला सुल्तान हम लोग कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर यू विल फाइंड उसका जो जमाई था, उसी का ही गुलाम था इल्तुतमिश, वो उसको कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट, जो थोड़ा बहुत कामकाज है वो करता है। और उसके साथ साथ एक और राजा था तुगलक डायनेस्टी का, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक डायनेस्टी कब पावर के ऊपर आती है, तो तुगलक डायनेस्टी विल कम टू पावर फ्रॉम 1320 टू 1414, और फिरोज शाह तुगलक तो 1350 के आसपास पावर के ऊपर है, कब आया, 1350। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, यू विल फाइंड थ्री किंग्स, वी विल फाइंड थ्री किंग्स बिलोंगिंग टू दिल्ली who will be making this temples, और ये लोग इनफैक्ट टेम्पल्स कहाँ, इनफैक्ट आपके कुतुब मीनार को बनाएंगे। तो याद रखेगा कि जब हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार को बनाने वाले लोग अलग अलग थे। गेटिंग माय पॉइंट, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग यू शुड बी नोटेड दैट दी नॉट वन किंग विल बी मेकिंग कुतुब मीनार, देयर बी थ्री किंग्स विल बी मेकिंग कुतुब मीनार। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर बेटा, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, कुतुब मीनार के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग केस बताया है। कुतुब मीनार के बारे में अगर आप देखोगे तो ये एक बालकनी दिख रही है आपको, मन की आंखों से देखो, यहाँ पे आप खड़े भी रह सकते हो बाय द वे। ठीक है, दिस इज द बालकनी है, फिर बसंती वाला केस करिएगा, बोले गांव वालों, हाँ गेटिंग माय पॉइंट, चलो यहाँ आ जाते हैं। तो जब हम लोग कुतुब मीनार की बालकनी की बात करते हैं, तो कुतुब मीनार की बालकनी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन मिलेगी। जैसे ये बालकनी है, बालकनी के अंदर आपको यूं प्रकार की ज्योमेट्रिकल डिजाइन मिलती है। ये जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन हमको बालकनी के द्वारा मिलती है, वहां पे हमको उसके नीचे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस, तो जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है, जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते थे इन द एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, वो मिले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग केस मिला है, ये जो इंस्क्रिप्शन है कुतुब मीनार के ऊपर, उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, याद रखिएगा, तो अरेबिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो अरबिक लैंग्वेज को जिस हिसाब से कार्व करके लिखा गया, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होंगे, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी आपको राइटिंग मिल जाएगी। ये भी राइटिंग है, जैसा जहाँ पे मैं आपको मेरा पेन हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं उसको कलर बदल देता हूँ। हाँ, इफ़ यू कैन सी इन दिस मार्क्ड एरिया, अगर आप ये मार्किंग के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा राइटिंग है, मेरी पेन जो दिख रही है आपको, और अरेबिक के अंदर है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको मिलता है राइटिंग को लेके, बहुत इंटरेस्टिंग केस मिलता है बहुत राइटिंग को लेके। और उस दौरान हो सकता है कि आपके जो कारीगर थे उनके पास बहुत अच्छी खासी स्किल्स थी, दी वर्कमैन हैड अ वेरी गुड स्किल बिकॉज दे वर मेकिंग दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। आज से 800-900 साल पहले ये बनाने की बात की जाती है। कहा जाता है कि फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, 1199 के आसपास उसने ये बनाई थी। ठीक है, अब पहला पॉइंट समझ में आया आपको कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार इज ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर आपको जानकारी होगी तो कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखेगा। कभी कभी पूछ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और विच इज नॉट अ यूनेस्को, यूनेस्को की है ना ये, तो है ना, तो इंडिया में कुछ 37 के आसपास मॉन्यूमेंट्स है विच आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता होना चाहिए कि भाई इनमें से कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, दूसरा, ढाई दिन का झोपड़ा कहां पे आया है, अजमेर के अंदर, याद रखेगा। अब ये कुतुब मीनार किसके नाम के ऊपर बना, तो एक सूफी सेंट हुआ करते थे, याद रखेगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी सेंट थे, उनके नाम के ऊपर से ये कुतुब मीनार पड़ा है। ठीक है, याद रहेगा, इतना बहुत हो जाएगा यार, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुतुब मीनार, ये सब के सब अगर आप देखोगे तो आपकी स्लेव डायनेस्टी में बनता है। स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी, कहाँ गई आपकी स्लेव डायनेस्टी। ज्यादातर बिल्डिंग्स आपको यहाँ दिल्ली के आजू बाजू में मिलेंगे, और स्लेव डायनेस्टी में मैंने आपको बताया हौज ए सुल्तानी,
जो दिल्ली के अंदर ये वाटर बॉडी बनाई है, किसने बनाई है? इल्तुतमिश ने बनाई है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको स्लेव डायनेस्टी के अंदर पता होना चाहिए। अब देखिए मॉस्क आर्किटेक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा उसके ऊपर आता हूं। अब ये पूरा का पूरा जो प्रीमाइसिस है, ये प्रीमाइसिस आपके कुतुब मीनार का है, और दिल्ली के सुल्तान मॉस्क क्यों बनाते हैं, वाई द किंग यूज टू मेक द मॉस्क, वाई दिस कोलावेरी डी, हाँ, वाई द किंग यूज टू मेक द मॉस्क, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। यू विल फाइंड कि किंग वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देमसेल्स दैट दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड द प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम, इसके लिए इन्होंने मॉस्क बनाने की शुरुआत की। तो जितने भी दिल्ली के राजा आएंगे सब ने मॉस्क बनाया, अकबर ने भी बनाया, शाहजहां ने भी बनाया, जैसे एंशियंट इंडिया में टेम्पल्स बनाए, एंशियंट इंडिया में जो किंग्स थे उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर को बनाया था, याद आया आपको, उसी तौर के इन्होंने मॉस्क बनाया। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट। दूसरा मॉस्क का क्या इंपॉर्टेंस था कि इट हेल्प टू क्रिएट द सेंसेस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, मतलब जितने लोग इस्लाम में मानते थे उनका एक कम्युनिटी उभर के आया। क्यों? क्योंकि व्हेन पीपल यूज टू कम टुगेदर, जब लोग इकट्ठे होते थे तो वो इकट्ठे होने के बाद उनका जो फेथ है, उनके रिलीजियस डिस्कशंस है, वो सब के सब कहीं ना कहीं उभर के आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट। इंक्लूडिंग यू विल सी कि आपके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब मॉस्क बनता था, तो मॉस्क के अंदर जो भी लोग आते थे उनको सरमंस दी जाती थी, उनको स्पीच दी जाती थी, उनको समझाया जाता था कि वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड। तो एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी मॉस्क का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे भी मिलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इंक्लूडिंग यू विल फाइंड की इंपॉर्टेंस उसका इसके लिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स अलग अलग कम्युनिटी से थे, कुछ कुछ तुराने मुस्लिम्स थे, कुछ कुछ अगर आप देखोगे अफगान ओरिजिन मुस्लिम्स थे, कुछ कुछ ईरानी हुआ करते थे, कुछ कुछ कैसे हुआ करते थे, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स थे। हिंदुस्तानी मुस्लिम समझ में आता है आपको? जो इंडियन मुस्लिम्स थे। तुरानी कैसे हुआ करते थे? तुर्किश ओरिजिन के, जो ओरिजिनली मुगल्स और उसके भी पहले दिल्ली के सुल्तान के साथ आए थे। ईरानी पर्शिया से आने वाले, ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल मुस्लिम्स, उन सबको लेके कहीं ना कहीं मॉस्क आपको मिलता रहेगा। समझे आप लोग मॉस्क का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मॉस्क याद रखेगा कि इट्स अरेबिक वर्ड, मस्जिद कहते हैं उसको, और खास करके अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अल्लाह की इबादत वहाँ पे की जाती है। अब देखो मॉस्क की डायरेक्शन क्या होती है, वो हमेशा वेस्ट फेसिंग रहेगी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर वेस्ट फेसिंग क्यों रहती है, उसके पीछे का कारण है क्योंकि इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वेयर द ओरिजिन ऑफ इस्लाम टुक प्लेस, याद आया आपको? मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत कराया हुआ है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा फिर। सो यू विल फाइंड कि इफ यू सी से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सऊदी अरेबिया, इस्लाम का ओरिजिन यहाँ पे आया है, ठीक है, मक्का मदीना है। तो मॉस्क आपकी कोई भी होगी उसका जो फेसिंग है वो इस साइड होगा, समझे आप लोग? तो जब लोग नमाज पढ़ेंगे, व्हेन द पीपल विल डू द नमाज, जैसे सलाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाह भी कहते हैं, सजदा भी कहते हैं, तो वो हमेशा वेस्ट फेसिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना जो है, मक्का मदीना है वो कहाँ पे आया है? गेटिंग माय पॉइंट। तो इट इज इन द सऊदी अरेबिया रीजन, तो ऑलवेज आपको वेस्ट फेसिंग मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये जो टेक्निक है इसे हम लोग कहते हैं किबला। क्या कहते हैं? किबला, याद रखेगा। तो मॉस्क आपको बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारे राजाओं ने मॉस्क बनाई। दिल्ली के सुल्तान से सबसे पहली मॉस्क जो बनाई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम हमने अभी पढ़ा, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, फर्स्ट मॉस्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क और बाकी सारी जितनी भी मॉस्क हुआ करती थी उसको अलग अलग रूप से पहचानते हैं। एक तो होती है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, ऐसी मॉस्क जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और वही कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क को हम लोग जमा मस्जिद भी कहते हैं। अब इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में आपको जमा मस्जिद मिलेगी, जमा मस्जिद, जमे मस्जिद, बहुत सारे केसेस मिलेंगी। जनरली फ्राइडे की प्रेयर्स के लिए इकट्ठे होते हैं, नमाज कहा जाता है उसको। इंक्लूडिंग उसी दिन आपके जो मौलवी साहब होते हैं जिसे इमाम भी कहते हैं, वो इनफैक्ट खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा का मतलब क्या है कि एक रिलीजियस सरमन होता है, वो पढ़ के है और इस्लाम के फॉलोअर्स जो भी मुस्लिम्स होते हैं उनको समझाएंगे। इनफैक्ट ये मीनार का इम्पोर्टेंस ये भी हुआ करता था कि मीनार के ऊपर चढ़ के जो भी मौलवी हुआ करते थे, ही यूज टू स्पीक एंड ही यूज टू गिव दी सरमन सेट टाइम्स, ठीक है, क्योंकि नीचे सब लोग थे। तो काफ़ी वो बहुत सारी इसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस हुआ करती थी अजान के लिए अलग अलग इसमें, ठीक है। तो फ्राइडे का सरमन को हम लोग खुतबा कहते हैं, याद रखिएगा। खुतबा क्या है? इट्स अ रिलीजियस ऑर्डर विच इज इश्यूड बाई दी आई वुड से उलेमा और द इमाम जो मॉस्क के अंदर काम किया करते हैं, ठीक है। तो आपको एक ये भी पॉइंट मॉस्क के आर्किटेक्चर के अंदर पता होना
चाहिए। मैंने आपको बताया कुवतुल इस्लाम मॉस्क, कुवतुल इस्लाम मॉस्क वेरी फेमस मॉस्क, याद रखेगा, 12th सेंचुरी के अंदर बनी हुई है। और खास करके अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसको ओल्ड सिटी दिल्ली खुना के रूप में भी पहचाना जाता है। और कहते हैं कि ये मॉस्क की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको बनाया उसके बाद उसको एनलार्ज करने के लिए अगर आप देखोगे तो इल्तुतमिश का बहुत बड़ा रोल प्ले है। इल्तुतमिश का रोल प्ले यही है कि इल्तुतमिश ही दिल्ली के अंदर कैपिटल शिफ्ट करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे रूल करता था, लाहौर वाले रीजन में। उसके बाद ये जो कुवतुल इस्लाम मॉस्क है उसको अलाउद्दीन खिलजी भी रीबिल्ड कराता है या उसको एनलार्ज कराता है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपको कभी कभी डिफरेंस पूछ देगा, आपको कभी कभी डिफरेंस पूछ देगा कि द कुवतुल इस्लाम मॉस्क, द कुवतुल इस्लाम मॉस्क का सिग्निफिकेंस क्या है। याद रखिएगा आप लोग, पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको रीबिल्ड, उसको बिल्ड कराया था फ्रॉम जैन टेम्पल, उसको कन्वर्ट किया गया है, समझे कि नहीं समझे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको इल्तुतमिश एनलार्ज करता है और अलाउद्दीन खिलजी भी उसको बनाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉस्क। उसके बाद ये मॉस्क के प्रीमाइसेस में ही आपका कुतुब मीनार भी आया है, कुतुब मीनार भी आया है। कुतुब मीनार के अंदर भी पहले दो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है और इल्तुतमिश ही है, पर जो तीसरा नाम है वो फिरोज शाह तुगलक है। क्या नाम है बेटा? फिरोज शाह तुगलक, याद रखेगा कि द थर्ड नेम इन द कुतुब मीनार इज डिफरेंट फ्रॉम द कुवतुल इस्लाम मॉस्क। फिरोज शाह तुगलक इज द थर्ड किंग जो कुतुब मीनार बनाता है। कुतुल इस्लाम में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश दोनों सेम है, यहां पे एक अलग हो जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट याद रहेगा आपको, तो यू विल फाइंड मीनार, उसका मीनार का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की एज अ पार्ट ऑफ द मॉस्क आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मॉस्क बहुत सारे राजाओं ने बनाई, अब धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, हर एक मॉस्क के बारे में आपको बता दूंगा। अब दूसरे अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, उसको हमने कंक्लूड किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के ऊपर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, किस प्रकार का आर्किटेक्चर बना। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की खासियत क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो आर्किटेक्चर बना उसे हम लोग कहते हैं सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? सेल्जुक। जैसे वो स्लेव डायनेस्टी थी ना, स्लेव डायनेस्टी, इलबारी, मामलुक, इसको सेल्जुक कहते हैं, पहला पॉइंट। खास करके अगर आप देखेगा तो आपको रेड सैंडस्टोन का यूज बहुत मिलेगा। खैर, रेड सैंडस्टोन का यूज आपको कहाँ पे मिलता है, कुतुब मीनार के अंदर भी रेड सैंडस्टोन ही मिलेंगे। और साथों साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको कुतुब मीनार के साथ साथ जो आपकी मीनार है कुवतुल इस्लाम है वहां पे भी रेड सैंडस्टोन ही मिलता है, ठीक है। ये रेड सैंडस्टोन आपको यूज मिला। यहाँ पे भी आपको आर्क्यूएट स्टाइल ज्यादा मिलेगी, यू विल फाइंड गुड इमेज ऑफ आर्क्यूएट आर्किटेक्चर, इंक्लूडिंग यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मोर्टार का यूज बहुत हुआ। मोर्टार का यूज मतलब समझ में आता है आपको, जो सीमेंट मोर्टार है उसका यूज काफी यू विल सी यूज होगा, जो जहां पे आपके जो रॉक्स है, आपकी जो स्टोन है उसको ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने, एक तो था अलाई दरवाजा और दूसरा था सिरी का फोर्ट। अलाई दरवाजा एंड सिरी का फोर्ट, इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे फर्स्ट, मैं कहूंगा फर्स्ट मॉस्क बनता है जो फ्रेश मटेरियल से बनाया जाता है। फर्स्ट मॉस्क बनता है, याद रखेगा, जो फ्रेश मटेरियल से बनाया जाता है। फर्स्ट मॉस्क विच इज मेड आउट ऑफ फ्रेश मटेरियल। व्हाट डू मीन बाय फ्रेश मटेरियल माय फ्रेंड? ये एक ऐसा मटेरियल था प्रिसाइसली जो नए सिरे से बनाया था। पुराने में क्या किया था, पुराने में तो तोड़ ताड़ के उसके अंदर का जो पत्थर बचा था वो यूज किया गया था। हियर इन दिस केस वी फाइंड द मॉस्क विच इज मेड आउट ऑफ फ्रेश मटेरियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वी फाइंड द मॉस्क विच इज मेड आउट ऑफ फ्रेश मटेरियल, समझे आप लोग। ये फ्रेश मटेरियल से जो मॉस्क बनता है, फ्रेश मटेरियल से ये मॉस्क बनता है, जिसका नाम है जमात ए खाना मॉस्क। क्या नाम है? जमियत ए खाना मॉस्क या जमत ए खाना मॉस्क। ये अलाउद्दीन खिलजी के दौरान बनता है। दिस वॉज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया विच वॉज मेड आउट ऑफ द फ्रेश मटेरियल, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का आर्किटेक्चर में इतना पॉइंट पता होना चाहिए। बाय द वे, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो उसने एक दरवाजा बनाया है जिसका नाम है अलाई दरवाजा। क्या नाम है बेटा? अलाई दरवाजा। यू कैन सी दिस इज द अलाई दरवाजा। बाय द वे, ये अलाई दरवाजा इज पार्ट ऑफ द कुतुब मीनार प्रोवाइज प्रीमाइसिस ओनली। दिस इज पार्ट ऑफ द कुतुब मीनार प्रीमाइसिस ओनली।
इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब वो उसी का ही पार्ट है. मैं यहां से समझा देता हूँ. दिस इज दी अलाई दरवाजा, कैन यू सी ओवर हियर, दिस इज दी अलाई दरवाजा. ठीक है, एक्चुअली ये अलाई दरवाजा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है दिस इज अलाई दरवाजा, दिस इज द कुतुब मीनार. ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ चल रहा है चीजें. इनफैक्ट ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे अगर आप, मैं लिख रहा हूँ, ये आयरन पिलर है. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये आयरन पिलर कहाँ से है पता है आपको? इट बिलोंग्स टू द गुप्ता एज. गुप्ता एज के बारे में बेटा जानकारी है ही आपको? आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज द गुप्ता एज ऑल अबाउट? गुप्ता एज वॉज द पीरियड जहाँ पे जो गुप्ता किंग्स थे उन्होंने आयरन पिलर बनाया था, लोह स्तंभ बनाया था, ये उसी का ही एक पार्ट है. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड कल्चर, आपको इतना पॉइंट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खिलजी जमियत ए खाना मॉस्क. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो. इन द अलाउद्दीन खिलजी पीरियड वॉट यू कैन राइट इज अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे ये सीरी करके फोर्ट बनाया था. कैन यू सी ओवर हियर, दिस इज द सीरी फोर्ट, दिस इज द सीरी फोर्ट. ये सीरी फोर्ट बहुत ही फेमस है, द सीरी फोर्ट इज क्वाइट फेमस एज वेल. यहाँ पे आज की तारीख में एक ऑडिटोरियम आया हुआ है, ऑडिटोरियम आया हुआ है. ये ऑडिटोरियम के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हौज खास बना. हौज खास पता है आपको? दिल्ली के अंदर लोग पार्टी करने जाते हैं बहुत सारे. ठीक है, ये पार्टी प्लेस है, दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएगी. जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि सर हौज खास का क्या इंपॉर्टेंस है. अच्छा, हौज खास से एक और क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में पूछ देता हूँ. दिस इज द प्लेस वेर वी फाइंड टोम्स. अगर आप हौज खास के प्रीमाइसिस में जाओगे तो आपको टोम्स मिलेगी. उसके अंदर है ना छोटी, आपको वो है ना दरगाह जैसी कुछ मिलती है. मैं कहूँगा एक छोटी सी ग्रेवयार्ड टाइप है. वहाँ पे दो चार फेमस किंग्स या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिवल इंडिया की पर्सनालिटी है जिनके जिनको दफन किया गया है. हौज खास में गार्डन है साइड में. तो आई आई सजेस्ट यू कि आप मुझे देख के कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा. जो मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली से अभी है उनके लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है. ठीक है, आप इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएगा, बट जो गए होंगे वहाँ पे उनको ज़्यादा पता होगा हौज खास के बारे में. अब देखो हौज खास का इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये भी एक वाटर बॉडी है, मैंने आपको बताया. और मैंने आपको पहले भी बताया कि मिडिवल इंडिया में खासियत ये हुआ करती थी कि राजा जितनी वाटर बॉडीज को बनाएगा, राजा जितनी वाटर बॉडीज को बनाएगा उतना ही उसको महान कहलाया जाएगा. द मोर पॉपुलर एंड द मोर आई वुड से द किंग की जो जो वो है ना कि एक्सेप्टेंस है काफ़ी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की खिलजी के दौरान की इंपॉर्टेंस बात थी. ठीक है, तो आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर मॉस्क आर्किटेक्चर, खिलजी आर्किटेक्चर समझ में आ गया. खिलजी के बाद आया तुगलक, तुगलक के बाद आए आपके, इनफैक्ट अगर आप देखोगे द किंग्स बिलोंगिंग टू द लोधी डायनेस्टी. अब देखो तुगलक को अभी भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे. तुगलक के दौरान क्या होता है कि आर्किटेक्चर में कुछ बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बनते और क्राइसिस पीरियड रहता है. क्राइसिस पीरियड समझ में आता है, यू विल नॉट फाइंड मच बिग मॉन्यूमेंट्स. बट तुगलक के दौरान सिटीज बनने शुरू हो गए. सिटीज समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय द सिटीज? बड़े बड़े सिटीज बनते हैं. तो दिल्ली के अंदर अलग अलग सिटीज बने, जैसे फिरोज शाह कोटला बना, जैसे अगर आप देखोगे तो तुगलकाबाद बना, जैसे अगर आप देखोगे तो जहांपनाह करके एक सिटी बना है. ये तीन चार सिटीज इसके दौरान बने, तुगलक किंग्स के दौरान, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है. यहाँ पे स्टेडियम है ना, इनके नाम से अभी बनाया गया है. तुगलकाबाद मैंने आपको बताया, ये जहांपनाह. ठीक है, दूसरा, आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी जो वॉल्स की डिजाइन जो आपकी वॉल्स की डिजाइन है वो वॉल्स थोड़ी बहुत स्लोपिंग वॉल्स के रूप में है. स्लोपिंग वॉल्स का मतलब क्या है कि जैसे ये बिल्डिंग बना है, ये बिल्डिंग की दीवार को स्लांटेड डिजाइन किया गया. स्लांटेड डिजाइन समझ में आता है? तो उसके कारण क्या होता था कि जैसे ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग के आजू बाजू में आपकी वॉल्स जो है वो स्लांटेड बनाई जाती है. बिकॉज द वॉल्स आर स्लांटेड इन सच अ वे, तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी. ठीक है, तो इनके दौरान एक सिटी बनता है जहांपनाह और ये सब सिटी बनते हैं. उसमें आपका एक मॉस्क बहुत फेमस है जिसका नाम है बेगमपुरी मॉस्क. कैन यू सी ओवर हियर, दिस वॉज हैविंग द आर्क्यूट आर्किटेक्चर. ये भी बहुत ही आपको इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी. जहांपनाह वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक, बाय द वे. ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में आपको वापस कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बाद लोधीस आए. लोधीस की खासियत ये थी कि इनके दौरान डोम आर्किटेक्चर का शुरुआत हुआ और इन्होंने आगरा बनाया. सिकंदर लोधी के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है और मॉस्क भी बनते हैं इनके दौरान. ठीक है, तो लोधीस के दौरान आगरा सिटी बनता है.
इंक्लूडिंग लोधी गार्डन्स बन के आएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको मोती मस्जिद मिलता है विच वॉज बिल्ट बाय सिकंदर लोधी के मिनिस्टर के दौरान। दूसरी एक और है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, दिस वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दी सिकंदर लोधी टाइम। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स मिल जाएंगे जो इनके दौरान बनते हैं 1520s के पीरियड में। तो इतना पॉइंट आपको मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर पता होना चाहिए। अब देखो दिल्ली की गद्दी के अंदर आर्किटेक्चर ज़्यादातर हमने डिस्कस कर लिया है, अब जो आर्किटेक्चर बाकी है वो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है। प्रोविंशियल मतलब जो साउथ के अंदर थोड़ा बहुत बनता था, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत चीज़ें को और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड जो जो स्टूडेंट्स को मेरा अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन करना है, मैं कहूँगा फिर से आप आ सकते हो। एंशिएंट और मिडिवल का बहुत जल्दी मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ और आपको इनफैक्ट डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मेक माई लाइक नो आई मेक श्योर कि आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज होगा वंस यू ज्वाइन माई कोर्स। ओके, आपको कंप्लीट हिस्ट्री करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप स्टडिंग।